Hello students, the next topic that we are going to cover for AIA PGET examination is Sneha Bhed. Sneha se kis kis prakar ke questions aa sakte hain? First of all, yahan pe aap category dekhte ho ki Sneha mein ya to therapeutic indications ka question aa sakta hai ya fir anupan ka question aa sakta hai ya fir काल का क्वेश्चन आ सकता है. तो इन तीनों कैटेगरी में से मैच द फॉलोइंग तो डायरेक्ट बनता ही है. दूसरा कोई स्टेटमेंट एजर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है. फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट वन में घृत की इंडिकेशंस बताई हैं और स्टेटमेंट टू में उसका काल या अनुपान बताया. सो इट कुड बी आस्क्ड कि ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं कि नहीं है और द अदर वे अराउंड. इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ से क्लिनिकल टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल अ पेशेंट विद वात पित्त प्रकृति कम्स टू द ओपीडी विद दीज यू नो दीज कंप्लेंट्स. तो उसमें आप पता लगाओगे, उसमें आप देखोगे कि कौन सा स्नेह आप इंडिकेट करेंगे. और जब भी हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो द मेन द कोर स्ट्रैटेजी इज़ कि जब आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है, जब आपका संहिता स्ट्रांग है, सो यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो मेन फोकस हैज़ टू बी ऑन संहिता. उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और फिर ये सब टाइप के क्वेश्चंस करने प्रैक्टिस के साथ आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फोर टाइप्स ऑफ स्नेह भेद. आचार्य चरक बताते हैं चरक सूत्र स्थान 13th चैप्टर में घृत तेल वसा मज्जा. सो वी विल बी फोकसिंग ऑन ईच ऑफ दीज. सबसे पहले फोकस करते हैं घृत पे. ओके, तो घृत के बारे में हम क्या देखते हैं. अब यहाँ पे आपको मैंने एक इमेज दिखाई है ना. अब ये जो हमारी पेशेंट है इसको हम घृत दे रहे हैं. क्यों दे रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये कैसी प्रकृति की है, ये वात पित्त प्रकृति की है. वीआईपी पेशेंट है ये हमारी, है ना, वात पित्त वीआईपी पेशेंट है हमारी. प्लस इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए कि इसका जो है रस शुक्र ओज बढ़ जाए, प्लस स्वर्ण वर्ण भी अच्छा हो, बिकॉज शी इज़ वीआईपी, है ना. इसके लिए ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. तो इस तरीके से जो है आपको ध्यान रखना है. वीआईपी पेशेंट को हमने अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए जो है घृत दिया था, है ना. अब हम घृत को कैसा देखते हैं कि पित्तनाशक भी होता है और अनिल वात शामक भी होता है. तो जहाँ पे वीआईपी वात और पित्त आ गया वहाँ पे आपकी फर्स्ट चॉइस हमेशा घृत रहने वाली है. सो इस तरीके से आप उसको याद रखोगे. निर्वापणम, है ना, जहाँ पे कोई चीज़ को शांत करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम किसी चीज़ को कूल डाउन करना चाहते हैं वहाँ पे भी हम घृत लगाते हैं. जब कहीं पे बर्न होता है तो वहाँ पे हम क्या प्रयोग करते हैं, हम शद्धौत घृत का प्रयोग करते हैं. तो उसी तरीके से आप उसको याद रखोगे. अब ये पेशेंट हमारी, इसको और क्या चाहिए था, इसको हमने देखा रस शुक्र ओज साम इसको चाहिए था, इसको स्वर्ण वर्ण चाहिए था, इसको जो है आयु चाहिए थी, बल वर्ण चाहिए था, प्लस इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ की जब हम बात करेंगे तो घृत विल बी आर बेस्ट चॉइस. तो जितने स्मृति मेधा बुद्धि इंद्रिय बल है वहाँ सब में जो है घृत आने वाला है. तो घृत के देखो कितने सारे बेनिफिट्स हैं. वीआईपी पेशेंट है, बस इसी तरीके से उसको याद रखोगे. एक हमने बात की थी निर्वापन की, तो दाह शस्त्र विष अग्नि इन सब कंडीशन में भी जब हम सुषुत सूत्र स्थान पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि जहाँ पे दाह है शस्त्र कर्म है, विष का प्रयोग है, अग्नि का प्रयोग है, सब जगह पे हम घृत प्रयोग करते रहे थे, है ना. सो दिस इज़ वेरी सिंपल घृत को याद करने का तरीका. वीआईपी से आप ये सारे पॉइंट जो है याद रखेंगे. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट पॉइंट बेटा आते हैं अब तेल पे. ओके, सो तेल इज वेरी इंटरेस्टिंग. क्यों? क्योंकि तेल जो है उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि तेल जो है उसकी स्पेसिफिक क्वालिटी क्या है, कि वो वायु का शमन तो करता है क्योंकि वात व्याधि में सबसे ज़्यादा इंडिकेटेड क्या है जो है तेल के योग है. तो ये वायु का शमन तो करता ही है बट श्लेष्मा का भी वर्धन नहीं होने देता. तो ये कोटेशन पूछी जाती है मारु तखनम नाच श्लेष्म वर्धनम. कौन है? तेल है. कौन है? तेल है. ओके, तो बलवर्धन के लिए हम घृत का प्रयोग भी करते हैं और तेल भी जो है वो भी बलवर्धन
करता है। हम एप्लीकेशन के लिए है ना, जब हमें जब स्किन बहुत रफ होती है हम क्या हम प्रयोग करते हैं, हम नारियल तेल का प्रयोग करते हैं, तो त्वचयम। और ये साथ में उष्ण होता है, स्थिरकरम होता है जो तेल की क्वालिटीज है, तो त्वचयम उष्णम स्थिरकरम ये जो है ये तेल के लिए बोला गया है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप याद रखोगे, बहुत पूछा जाता है दिस ब्यूटिफुल लेडी, ठीक है, दिस ब्यूटिफुल लेडी, अब इसके योनि जो है उस पर क्या हो रहा है, शोधन हो रहा है ना, दिख रहा है आपको, तो तैलम योनि विशोधनम याद रखो। नेक्स्ट अब इसके आप कोष्ठ में जाओगे तो ये क्या बने हुए हैं, कृमि है बने हुए हैं, क्रूर बना हुआ है, क्रूर मीन्स कांटे भी हैं और यहाँ पे ये देखो ये कृमि भी है, दिख रहा है, ये कृमि भी दिख रहा है और यहाँ पे कांटे भी दिख रहे हैं, तो कृमि क्रूर कोष्ठ दोनों ही जगह पे हम तेल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब इस लेडी को देखो क्या है, यहाँ से जो है रिपेरिनिया इस रीजन में, यहाँ से इस पूरे रीजन में है ना, आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा ये फूली हुई है, क्यों, क्योंकि प्रवृत्त श्लेष्म मेद यहाँ पे बढ़ा हुआ है, स्थूल गल उदरा है ना, ये सब देखो फेस पतला है इसका बट बॉडी बड़ी मोटी है, तो ये जहाँ पे भी श्लेष्मा की वृद्धि होगी उन सभी केसेस में जो है हम इसको प्रयोग करेंगे। प्लस वात व्याधि हमने अभी डिस्कस किया था, दैट इज वेरी बेसिक पॉइंट, वात प्रकृति, इसका कलर ऐसा क्यों है इसका, क्योंकि ये वात प्रकृति की है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट, आप एक कृष्ण भाव से जो है वात प्रकृति याद रखोगे, तैलम योनि विशोधनम ये इमित से याद रखोगे। प्लस आप देखो ये कहाँ खड़ी है, बर्फ़ में खड़ी है ना, बर्फ़ यहाँ से गिर रही है, स्नोफॉल हो रहा है, तो हम शीतल काल में ही तेल का प्रयोग करते हैं क्योंकि उष्ण होता है, तो हम शीतल काल में ही इसका प्रयोग करते हैं। सो वन पिक्चर कैन डिना यू नो कैन डिनोट मैनी पॉइंट, सो एक पिक्चर से आप बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स अच्छे से याद रख सकते हो, इसलिए उसको अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने कृमि कोष्ठ देख लिया, क्रूर कोष्ठ देख लिया, योनि विशोधन देख लिया, शीतल काल में प्रयोग देख लिया, ये वात प्रकृति की देख ली, वात पित्त प्रकृति VIP वो हमारा घृत था, वात प्रकृति है ये देखो, ये जो है हमारा तेल है, क्लियर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कृमि क्रूर और नाड़ी है ना, कृमि कोष्ठ क्रूर कोष्ठ और नाड़ी व्रण में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो हम आते हैं अब वो है वसा, ठीक है, वसा कवर करते हैं। अब वसा में आप क्या देख रहे हो, अब इस पेशेंट को आराम से देखना, क्या कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, दिस गर्ल इज डूइंग एक्सरसाइज, राइट। फिर इसके कान देखो कैसे हैं, रेड हो रखे हैं, मीन्स यहाँ पे जैसे पेन होता है वैसे ये हो रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो जो इसकी योनि है ये बाहर है कहीं पे, है ना, नीचे आई हुई है, ठीक। नेक्स्ट आप देखोगे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे एक ये जो एक्सरसाइज कर रही है सन के नीचे एक्सरसाइज कर रही है, क्लियर है, तो बस यही पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। अब आप क्या देखोगे कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, एक्सरसाइज कर रही थी तो जिसको पौरुष उपचय चाहिए है ना, जिसको पौरुष में उपचय चाहिए, व्यायाम चेष्टते रेगुलर व्यायाम करने वाले लोग हैं उन सब के लिए वसा इज इंडिकेटेड, यहाँ पे कहीं भी एक्सरसाइज नहीं थी, सिर्फ इसके पास एक्सरसाइज का वो जो है डंबल है, तो यहीं पे जो है वसा है। दूसरा, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से क्या होता है, विद्ध भग्न आहत, ये भी आपको पता है, एक्सेसिव ट्रॉमा होगा, कुछ चीज़ डंबल गिर गई जिम में तो क्या होगा, विद्ध भग्न आहत, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमने इसके कान कैसे दिखाए, रेड, मतलब इसको क्या है, कर्ण शिरो रुचि, क्या है, कर्ण शिरो रुजा इसको है, तो यहीं पे आएगा। अब इसकी योनि हमने कहाँ दिखाई, बाहर दिखाई है, सो दैट इज भ्रष्ट योनि, दैट इज भ्रष्ट योनि, डिस्प्लेस्ड है, तो यहाँ पे हम इसका प्रयोग करेंगे। ये मैंने यहाँ कहाँ पे एक्सरसाइज करी थी, धूप में कर रही थी, तो वात आतप सहा। दूसरा, धूप में एक्सरसाइज करोगे तो क्या करता है, जो सन होता है वो क्या करता है, हर चीज़ को शोषण कर लेता है, संशुष करे तो रुधिरा निष्पीत कफ मेद सा है ना, हर उससे उसे ये निकाल लेता है, कफ मेद को निकाल लेता है। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, बहुत एक्सरसाइज करते हैं क्या होता है, अस्थि संधि सिरा स्नायु कोष्ठ में महारुजा होता है, क्योंकि वायु का एकदम प्रकोप हो जाता है ना, वायु का प्रकोप होता है, जितने भी खाली स्रोत है उनको आवृत कर लेता है, तो यही बेटा पॉइंट्स हैं जो कि हम वसा में देखते हैं,
इंटररिलेट करके पढ़ना है, इजी तरीके से पढ़ना है ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। नेक्स्ट इज महत च अग्नि बल ये श्याम वसा साथ में ये नारा। तो जिसको वसा साथ में है, अब देखो वसा कितनी गुरु होती है, तो जिसका अग्नि बल अच्छा होगा वही ना खा पाएगा। तो अग्नि बल जिसका अच्छा है, वसा साथ में जिसको है, उसको हम वसा ही देंगे। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो बेटा अब दोबारा से इसको देख लो, हमने घृत में देखी VIP, हमने पूरी पिक्चर देखी तैल में, सब पूरी पिक्चर दिमाग में रखो। एक्सरसाइज करती हुई ये लड़की धूप में भ्रष्टी उन्हीं के साथ, ये सारे पॉइंट्स हमने देखे वसा में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज मज्जा, ठीक है। अब मज्जा में आप क्या देखने वाले हैं बच्चे, कि मज्जा किसको देना है। अब ये हमारा पेशेंट देखो ना, इसके पास बल है ना, शुक्र है ना, रस है, रश्लेष्म है ना, मेद है ना, मज्जा है ना। तो इस पेशेंट में हम क्या देने वाले हैं, इस पेशेंट में हम मज्जा देने वाले हैं। देखो जिसको इच्छा हो ये सब बढ़ाने की वो घृत में आएगा, है ना, कोटेशन डिफरेंट है, पर जिसको ज़रूरत है उसको विवर्धन में ये सब चीज़ों का करना ही है ना, ऐसी दीन कंडीशन है, कुछ बचा ही नहीं है, है ना, तो उसमें आएगा, तो विवर्धन में मज्जा आएगा। नेक्स्ट इज मज्जा विशेष तो अस्थनाम च बलकृत, जो हमें यहाँ पे अस्थियाँ ही दिख रही हैं, तो इनका जब बल कराना है तो हम मज्जा का प्रयोग करेंगे। तो अस्थनाम च बलकृत हमेशा मज्जा में आएगा, क्योंकि इस पिक्चर में हमने सिर्फ हड्डियाँ देखी हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इज बेटा ये भी बिल्कुल वायु टाइप का वात से पीड़ित लग रहा है, क्योंकि इसकी ये कंडीशन है, बिल्कुल फैटी नहीं कहीं बचा हुआ, प्लस यहाँ पे हम कांटे देख रहे हैं, कांटे हैं ये, तो ये क्रूर कोष्ठ है, ठीक है। तो कृमि और जो क्रूर था उसका कॉम्बिनेशन हमने तैल में देखा था ऊपर, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ क्रूर है, दिस इज मज्जा। और ही इज थिंकिंग अबाउट फूड, तो दीप्ताग्निया क्लेश सहा घसमरा, बहुत ज़्यादा खा लेता है, इतना ज़्यादा खाने के बारे में सोच रहा है, बट पतला फिर भी रहता है ना, सो दिस इज आर इंडिकेशन फॉर मज्जा, ठीक है। तो बेटा दोबारा से एक बार हम इस फटाफट सारे पॉइंट्स एक बार देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये हमेशा जो है ये ध्यान रखने हैं। जैसे हमने घृत की बात की, घृत की बात की तो VIP हमने देखा, किस किस की उसको इच्छा है, बल वर्ण स्वर आर्थिनहा, है ना, बुद्धि रिलेटेड पॉइंट्स हैं, दहा अशस्त्र ये सब है, तो यहाँ पे घृत विल बी इंडिकेटेड। तैल पे हमने पूरी पिक्चर से हमें सब कुछ क्लियर हो गया, वात व्याधि थी प्लस तैलम योनि विशोधनम शीतले काले, और कृमि भी है और क्रूर भी कोष्ठ भी है। नेक्स्ट आते हैं वसा पे एक्सरसाइज करती हुई वुमेन थी, योनि की क्या कंडीशन थी, ये सब पॉइंट्स जो हैं ये हमने यहाँ पे देखे। मज्जा में आओगे तो मज्जा में हमने क्या देखा, अस्थि वाला एक मनुष्य देखा जिसमें कि क्रूर कोष्ठ था। तो ये सारे पॉइंट्स बलकृत, क्रूर कोष्ठ, अस्थनाम च बलकृत, बल शुक्र रस श्लेष्म मेदो मज्जा विवर्धनम, ये जो कोटेशन है दिस इज रिलेटेड टू मज्जा। एंड विच वन इज रिलेटेड टू घृत, जहाँ पे की जो है बल वर्ण स्वरार्थिना, तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसको डिफ्रेंशिएट करके आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं बेटा कि स्नेह को कौन से काल में दिया जाता है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्पी, दिस इज गिवन इन शरद ऋतु, तो स श करके आप याद रखोगे, आपको बहुत आसानी से याद रहेगा। नेक्स्ट है वसा मज्जा च माधवे, और क्या है तैलम प्रावृत, तो इसको आप कैसे याद रखोगे, पीटी करते करते क्या हुआ, माधव ने मूवी देख ली, ठीक है। तो पीटी तैलम प्रावृत, प्रावृत तैल, करते करते छोड़ दो, ठीक है। फिर माधव ने क्या देख ली, मूवी देख ली, मतलब एम और वी, तो मज्जा और वसा, ठीक है। पीटी करते करते माधव ने मूवी देख ली, पीटी करते करते माधव ने मूवी देख ली, तो जितनी बार उसको सुनोगे उसको आपको याद रह जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसके अनुपान भी पूछे जाते हैं, सो अनुपान आर ऑल्सो वेरी सिंपल। घृत का अनुपान हम देखते हैं बेटा उष्ण जल, ठीक है। तैल का देते हैं हम यूष, तैल का क्या देते हैं, यूष देते हैं। और वसा और मज्जा, जैसे यहाँ पे माधव है एम से शुरू है, ऐसे ही यहाँ पे वसा मज्जा भी एम से शुरू है, मंड हम देते हैं,
ठीक है। सुघृत तैल वसा मज्जा, आपको अनुपान मालूम होना चाहिए, काल याद होना चाहिए, और निमोनिक से आपको काल याद रहेगा, यहाँ पिक्चर से आपको सारी इंडिकेशंस याद रहेंगी। सो समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि चरक सूत्र 13 में ये सब चीज़ें स्कैटर्ड तरीके से दी हैं। कहीं पे घृत का मेन इंडिकेशन आया, फिर उसके बाद बेसिक इंडिकेशंस आई, तो आपको इन सब चीज़ों को साथ में लेके पढ़ना है, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है कि आपको एक साथ चीज़ें आंसर करनी है। तो पूरे जब आप ऐसे चार्ट से पढ़ोगे, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू गो थ्रू दिस माइंड मैप अगेन, देन यू कैन डाउनलोड आर ऐप आयु स्कॉलर, जिसके थ्रू आप जो है निमोनिक सेक्शन में इसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक जस्ट गो थ्रू दिस वंस अगेन, और ये टॉपिक आपका एकदम रेडी हो जाएगा, है ना। एंड उसके बाद आपको करनी है प्रैक्टिस। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, देन स्टडी वेरी वेल, क्योंकि टाइम जो है अभी आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, अच्छे से उसको यूटिलाइज करो, जितना हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एंड स्टडी वेरी वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।